वालेकुम आज हम सीसी पॉइंट वन इसका जो चैप्टर थ्री है उसका पेज फोर उस पर डिस्कस करेंगे लैक ऑफ फ्यूजन तो चले स्टार्ट करते हैं लैक ऑफ फ्यूजन यहां से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं लैक ऑफ फ्यूजन इम परफेक्शन आर डिफाइंड एज ए लैक ऑफ यूनियन बिटवीन टू areas एरियाज ऑफ द मटीरियल वो ये कह रहा है कि फ्यूज ना होने की वजह से जो इम्परफेक्शन आती हैं लैक ऑफ फ्यूजन को इस तरह से डिफाइन करते हैं And दो मटीरियल का आपस में ना जुड़ने को ना मिलने को लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं यहाँ से इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं दिस में भी अ कंपेन आर कॉज बाय द अदर इम्परफेक्शन आर एक्सप्लेन इन द लास्ट सेक्शन वो ये कह रहा है और ये इस वजह से भी हो सकता है जो हम लास्ट uh, सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि दूसरे इम्परफेक्शन की वजह से भी हो सकती है जैसे स्लैग वगैरह का ट्रैप होना या मैग्नेटिक इसकी जो आर्क है उसकी आर्क फोर्स है उसकी वजह से भी हो सकता है तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लैक ऑफ़ फ्यूजन कैन बी कंसीडर्स एज ए सीरियस इम्परफेक्शन तो लैक ऑफ फ्यूजन को जो सीरियस इम्परफेक्शन समझा जाता है एज ए लाइक क्रैक जैसे कि क्रैक है दे प्रोड्यूस हाई स्ट्रेस कंसनट्रेशन और इससे हाई स्ट्रेस कंसनट्रेशन पड़ती है यहाँ से लैक ऑफ फ्यूजन आर ओवरलैप ए फॉर्म ऑफ द लैक ऑफ फ्यूजन लैक ऑफ फ्यूजन या ओवरलैप लैक ऑफ फ्यूजन की ही की तरह की फॉर्म है मे अकर इन द वेल फेसेस एरिया ड्यूरिंग पोजिशनल वेल्डिंग काज बाई द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनकोरेक्ट यूज ऑफ द प्रोसेस लैक ऑफ फ्यूजन जो है ये वेल्ड फेस की तरह भी आ सकती है जब पोजीशन में वेल्डिंग हो रही होती है जब एक्शन ऑफ ग्रेविटी कुत शक्ल की वजह से जैसे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच दी है एक मोल्टन मेटल है वो भी इसी तरीके से उसमें जो इनकलाइन होती है या फिर अगर वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग पोजिशन के लिए करेक्ट ना हो तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लैक ऑफ फ्यूजन मे बी फाउंड इन द वेल्स वेयर प्रॉसेस यूजिंग हाई करंट है बिन यूज एज द आर्क मे बी डेवीएटेड अवे फ्राम द फ्यूजन फेसिस काजिंग लैक ऑफ फ्यूजन एंड दैट एरिया ऑफ द वेल्ड्स ये बहुत ज्यादा लंबा है लैक ऑफ फ्यूजन मे बी फाउंड इन द वेल्स वेयर प्रॉसेस यूजिंग यूजिंग हाई करंट है बिन यूज वो ये कह रहा है और इसकी वजह से आर्क है जहाँ पर फ्यूजन हो रही होती है लैक ऑफ फ्यूजन इस वक्त भी आ सकती है जब हाई करंट पावर डेंसिटी वेल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल हो और इसकी जो आर्क है जहाँ पर फ्यूजन हो रही है वहाँ पर असल में पाड़ी नहीं रही हो और इस वजह से भी वेल्डिंग के इस एरिए में लैक ऑफ फ्यूजन हो सकती है तो यहाँ से इस अफेक्ट को आर्क ब्लो कहते हैं और ये इस वजह से होता है जब मटीरियल और आर्क के अंदर अलक्ट्रो फोर्स पड़ रही होती है तो यहाँ पे ये यह हमारा लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं लैक ऑफ फ्यूजन में फाउंड इन दिस रूट एरिया ऑफ द वेल्स वेर इट इज मे बी फाउंड ऑन द वन और बो साइड एज प्लेट लैक ऑफ फ्यूजन रूट की तरह भी हो सकती है और ये प्लेट के एक एज या दोनों एजेज के मेल्ट ना होने की वजह से हो सकती है और अगर ये एक साइड पे है एक एज पे हो तो इसे लैक ऑफ फ्यूजन और अगर इसके दोनों एजेस मेल्ट हो तो फिर इसे इनकम्प्लीट रूट पैनीटेशन कहेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं लैक ऑफ फ्यूजन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिप ट्रांसफर मिग वेल्डिंग और मेटल ऑफ ओवर थ्री एम एम थ वो ये कह रहा है कि लैक ऑफ फ्यूजन साइड वाल फ्यूजन आमतौर पर डिप ट्रांसफर में मिग वेल्डिंग के दौरान आती है क्योंकि डीप ट्रांसफ़र में इसकी करंट डेंसिटी कम होती है इस वजह से ज़्यादातर लैक ऑफ फ्यूजन जो है आती है डीप ट्रांसफ़र मिग वेल्डिंग ऑफ मेटल्स ऑफ ओवर थ्री एम एम थिकनेस पर्टिकुलरली इन द वर्टिकल डाउन पोजिशन वो ये कह रहा है कि जब हम थ्री हंड थ्री मिली से ज़्यादा थिकनेस को वेल्ड कर रहे होते हैं और खासकर वर्टिकल डाउन पोजिशन में इस टाइप की जो मेटल ट्रांसफ़र है बहुत जल्द कोलनस की कोल्डनेस की फॉर्म में आ जाती है तो ये भी बहुत वज़, बड़ी वजह बनती है लैक ऑफ फ्यूजन में एंड द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी बट मे आल्सो बी एंट्रीब्यूट टू इन सेटिंग एंड पॉसिबल लैक ऑफ वेल्ड स्किल तो वो कह रहा है कि इसके अलावा इसके अलावा एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से जिसमें कुवत शक्ल जिसमें मोल्टन वेल्ड मेटल का फ्लो uh, ग्रेविटी uh, की शक्ल में आता है और ये इनक्रेक्ट सेटिंग की वजह से और यह भी पॉसिबल है कि वेल्डर की स्किल की कमी की वजह से लैक ऑफ फ्यूजन आ सकती है तो लाइक सोलड इंक्लूजनस लैक ऑफ फ्यूजन इम्परफेक्शन में काज बाई तो जिस तरह सोलड uh, इंक्लूजन है इसी तरीके से जो फ्यूजन इम्परफेक्शन है लैक ऑफ फ्यूजन इम्परफेक्शन है वो भी इसी वजह से आती हैं जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं लैक ऑफ वेल्डर स्किल इन करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक वेल्डर की स्किल uh, की कमी की वजह से वेल्डिंग टेक्निक सही ना होने की वजह से तो नेक्स्ट में इनकोरेक्ट पैरामीटर सेटिंग एग्जाम्पल वोल्टेज एम्परेज स्पीड ऑफ द ट्रेवल एक्सेट्रा तो पैरामीटर वेल्डिंग पैरामीटर की सेटिंग की वजह से इसके वोल्टेज एम्परेज और इसकी जो ट्रैवल स्पीड है अगर अगर करेक्ट नहीं है तो उस वजह से भी हो सकता है मैग्नेटिक आर्क ब्लो नंबर थ्री में और मैग्नेटिक आर्क ब्लो रिक्वायर जो फ्यूजन पॉइंट है मैग्नेटिक आर्क ब्लो में क्या होता है कि जो रिक्वायर फ्यूजन पॉइंट है जब आर्क डेविएट होती है आगे पीछे होती है तो उस वक़्त ये हैपन होता है तो इनकरेक्ट करेक्ट पोजिशनल यूज ऑफ द प्रोसेस आर कंज्यूमेबल और अगर वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो सही नहीं इस्तेमाल हो रहे जैसे uh, सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है ये पोजिशनल वेल्डिंग के लिए परफेक्ट नहीं है ये मोस्टली फ्लैट पी ए पोजिशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है या फिर कंज्यूमेबल जो इस्तेमाल है वो पोजिशनल वेल्डिंग के लिए कुरेक्ट नहीं है इस वजह से भी सोलड इंक्लूजन उसमें आ सकती है लैक ऑफ साइड फ्यूजन आल्सो काजिंग एन इनकम्प्लीट फिलड ग्रूफ तो इनकम्प्लीट फिलड ग्रूफ की वजह से अगर हमारी जो ग्रूफ है वो जो बेवल है उसकी जो वी है अगर उसको करेक्ट तरीके से डिपोजिट नहीं किया तो उसमें भी जो है लैक ऑफ साइड वाल फ्यूजन आ सकती है जिस तरीके से ये शो करवा रहा है तो उसके बाद ओवरलैप है तो ओवरलैप में क्या होता है कि जो एक्सेस वेल्ड मेटल है जिस तरीके से ये एक्सेस वेल्ड मेटल है और ऊपर से इसकी सेगिंग हुई है झुकी हुई है तो वो भी जो है ओवरलैप की शक्ल बन जाती है तो इसके अलावा लैक ऑफ साइड वाल फ्यूजन है तो लैक ऑफ साइड वाल फ्यूजन में ये देखें साइड पर स्लैग ट्रैप हुआ है तो अगर ये साइड पे है तो फिर इसको हम लैक ऑफ साइड वाल फ्यूजन कहेंगे और अगर यहाँ पे यही कही है तो फिर इसको आ, इंटर रन इंटरनल सोलड इंक्लूजन कहेंगे तो इसी तरीके से लैक ऑफ इंटर रन है आ, इसी तरीके से लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन है और जिस तरीके से ये देखें फिलअप यहाँ पे इसको आ, इसको जो है क्रैक इसको डिपोज़िट नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट फिलड ग्रूव यहाँ पे हुई हुई है तो इसको हम लैक ऑफ साइड वाले फ्यूजन कहेंगे और इसके साथ ही हमारा ये जो आ, पेज थ्री पॉइंट फोर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर वेल्डिंग इन परफेक्शन उसका जो पेज फाइव है उसमें तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर थ्री और उसका जो पेज फाइव में अल्लाह